नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं पटियाला में हूँ। हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल के सांसद हैं प्रोफेसर चंदूमाजरा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह की तैयारी चल रही है प्रोफेसर साहब? यहाँ देखिए, नगर निगम चौन को लेकर शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के वर्कर लीडर जो है चौन प्रचार में पूरी सरगर्मी से लगे हुए हैं, और मैं समझता हूँ जैसा उत्साह चाह हमारे वर्करों में लीडरों में इस बार दिखाई दे रहा है। सरकार के होते तो बहुत बार उत्साह देखा मैंने, मगर सरकार के बिना इतना उत्साह पहली बार देख रहा हूँ। और ये इस बात का कारण यही है कि जो कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने जो वादे वचन किए थे लोगों के साथ वो पूरे नहीं किए। लोग अंदर अंदर से बहुत ज़्यादा नाराज हैं। लोगों को कांग्रेस वाले कुछ कहने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जैसे बिजली के दाम बढ़ाए गए उसका बहुत ज़्यादा लोगों पे असर है, और जो बादल सरकार से हमें विकास के काम के लिए पैसा दिया गया था ये बात से उठा कर ले गए, उसका लोगों में बहुत गुस्सा है। और ये जो शहर पटियाला है, समय माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना शहर है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी उनकी यहाँ है, वो पिछले 8 महीने में कम से कम मेरा ख्याल एक आधी बार आए हैं यहाँ, वो भी बहुत थोड़े समय के लिए। तो लोगों में ये सब बात का मैसेज है कि कागज़ को सीधे रास्ते, काम को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप स्टेट लेवल की बात करें, 9 महीने इनके हो गए सरकार के, तो इसको किस तरह से मूल्यांकन इसका किस तरह से करते हैं? देखिए, 9 महीने का अगर मूल्यांकन किया जाए तो सरकार को कोई 0 नंबर भी नहीं मिलता, क्योंकि काम करने पॉजिटिव काम तो क्या करने थे, नेगेटिव काम हो रहे हैं। जैसे कर्जा माफ़ी का सवाल था, कर्जा माफ़ी के मामले में किसानों का कर्जा माफ तो क्या करना था, किसानों को आगे कर्जा मिलने से बंद हो गया। आढ़ती विश्वास नहीं करता उस पर, जो बैंक हैं वो विश्वास नहीं करते किसानों पर, और जो हमारे सहकारी क्षेत्र के इदारे हैं वो बंद हो गए, डी लिस्ट बन गए, तो इसलिए उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया। दूसरा, जो नौजवानों को नौकरी देने की बात थी, एक किसी को नौकरी नहीं दे पाए, जो मोबाइल फ़ोन की बात थी वो नहीं दे पाए, तो एक भी जो कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं हो पाई। ये बहाना लगाते हैं, खजाना खाली है, जो 8 महीने में जेडी सरकार। लोग किस तरह से सरकार चला रहे थे पहले, कामकाज कैसे चल रहा था, अभी ये कह रहे कि इनके पास पैसे नहीं है। सरकार चलती है 2 बातों से, एक तो विल पावर होनी चाहिए, दूसरी सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, ये कोई पॉलिटिकल कमांड तो इसको है नहीं, ये तो अफसरशाही की कमांड के नीचे चल रही है, तो इसलिए इसमें लॉलेसनेस हुई है, इसलिए डायरेक्शन लेस हुई है। इसमें कोई बात बोलता है मंत्री, एक मंत्री और बोलता है, दूसरा और बोलता है, CM साहब और का बात कहते हैं, तो इसलिए खिंचातानी जो चल रही है ये लाइनअप ना होने की वजह से भी। निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, 3-4 महीने हो गए। अमृतसर में गया था, वहाँ दिवाली के बाद से भी लोगों को सैलरी नहीं मिल पाई है, घर किस तरह से चल रहा है? देखिए, एम्प्लॉज क्लास में तो बहुत ज़्यादा रोष है, एम्प्लॉज क्लास में तो पहले तो तनख्वाह नहीं मिली, फिर मिली तो 40% कटौती करके दी गई। आंगनबाड़ी वर्करों की तो जो वहाँ सेंटर चल रहे थे वो ही बंद कर दिए थे, 800 स्कूल बंद कर दिया, तो ऐसे स्थिति में जो एम्प्लॉज है, एम्प्लॉज तो बहुत तंग परेशान है। संसद के ऊपर थोड़ा सा, संसद भी अब कार्रवाई शुरू होगी, वहाँ भी शायद 2-4 दिन का होगा, उसकी कैसी तैयारी आप लोगों की तरफ से? देखिए, संसद के अंदर हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे किसानी की डबल इनकम करने की बात है, 193 के नीचे मैंने नोट्स दिया है, ये डिस्कशन होनी चाहिए, किसानी की आमदन कैसे डबल होगी। और जो माननीय मोदी साहब की सरकार ने पिछले 2-3 वर्षों में किसानी को अपलिफ्ट करने के लिए स्कीम लेकर आए हैं, उनका फील्ड में क्या इफेक्ट पड़ा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। किसानों की खुदकुशी का जो मसला है, एक तरह से पंजाब में बढ़ा है, घटा नहीं है पिछले? देखिए, पंजाब में खुदकुशियां बढ़ने की विशेष तौर से जो कारण मैं समझता हूँ यही है कि किसानों को आगे से कर्जा मिलने से बंद हो गया, किसानों को पैसा नहीं मिलता। आगे आई चलाई करता था, अपनी फसल आती थी, दूसरी फसल के लिए पैसा ले लेता था, आई चलाई कहते थे हम पंजाबी में उसको, तो वो अब बंद होगी, तो इसलिए किसान परेशान है, उसके रास्ते बंद हो गए, इसलिए खुदकुशियां बढ़ी हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव के नतीजे आएंगे, निगम चुनाव के, एक तरह से रेफरेंडम होगा आपके लिए भी और कांग्रेस सरकार के लिए भी? देखिए, रेफरेंडम तो मैं नहीं कह सकता इसको, मगर ये बात जरूर है कि सरकार की इसमें खिंचाई जरूर होगी, सरकार को इस बात का एहसास जरूर कराएंगे लोग कि जो वादे करके मुकरते हैं जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं।
शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी, अभी कैंपेन कर रहे हैं पटियाले में और लगातार लोगों के बीच जाकर एक तरह से अकाली दल की जो स्थिति है उसको और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पटियाला से कैमरामैन वीरेंद्र मेहरा के साथ ब्रजमोहन सिंह, दैनिक सवेरा टीवी के लिए।